टॉडलर आइलैंड। बच्चों आज से हम आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, आप सुने और सीखे। बाबा आप मेरे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? जी बेटा पूछे। बारिश क्यों होती है? बादलों में से पानी के बेशुमार नन्हे नन्हे कतरे होते हैं जो आपस में मिलकर भारी होते रहते हैं। जब ये बहुत भारी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं, इसको बारिश या मेघ कहते हैं। बाबा बादल क्यों बनते हैं? गर्म हवा में पानी के बेशुमार नन्हे नन्हे जर्रे आबी बुखारात होते हैं। जब गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा से मिलती है तो पानी के जर्रे कसीब होकर पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, और जब ये सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं तो हमें बादल की शक्ल में नजर आते हैं। बरसने वाले बादल इतने स्याह क्यों होते हैं? बारिश बरसाने वाले बादल अक्सर गहरे स्याह रंग के होते हैं, इन्हें घटा कहते हैं। घटा उस वक्त बनती है जब बादल के हर हिस्से में पानी के कतरे बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाए। ऐसे बादल कई किलोमीटर तक घने हो सकते हैं। बिजली गिरती क्यों है? आसमानी बिजली एक बहुत बड़ी चिंगारी होती है। जब ये चमकती है तो जमीन की कशिश इसे अपनी तरफ खींचती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मकनतीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो बाबा बादल क्यों गरजते हैं? जब बिजली चमकती है तो उसकी तेज हरारत से इर्द गिर्द की हवा नहायत तेजी से फैलती है जिससे खौफनाक धमाका होता है, इसे बादल की गरज कहते हैं। अच्छा चमक के साथ गरज क्यों सुनाई नहीं देती? बादलों की गरज और बिजली की चमक एक साथ पैदा होती है, लेकिन चूंकि रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज है इसलिए पहले बिजली की चमक नजर आती है और बाद में गरज सुनाई देती है। बाबा बारिश से बचने के लिए दरख्त के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए? आसमानी बिजली दरख्त पर गिरने से दरख्त टूट कर गिर सकता है, अगर कोई शख्स उस दरख्त के नीचे खड़ा हो तो वो भी हलाक हो जाएगा। चलो बेटा आप सो जाओ, बाकी इन सवालात और जवाबात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जब भी सवाल करोगी हम आपको जवाबात देते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। बच्चों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। टॉडलर आइलैंड।